अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं बात करूंगी गुड पेरेंटिंग की। देयर वाज अ टाइम जब पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट बस ये था दैट इट इज़ लाइक यू गॉट मैरिड एंड यू हैव किड्स एंड यू जस्ट हैव टू रेज देम अप एंड दैट्स इट। गुड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि पेरेंट्स को अपने अंदर क्या आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, कहाँ पर वो प्रॉब्लम्स। अब आजकल की जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस उन लोगों के अंदर डेवलप हुए हुए हैं या जिन प्रॉब्लम्स का वो शिकार हो रहे हैं, उसको फाइंड आउट किया, उसके ऊपर रिसर्च की गई एंड देन इट वाज अ टर्म दैट गुड पेरेंटिंग एंड बैड पेरेंटिंग का डिफरेंस फाइंड किया गया। एंड देन उस रिसर्च के जरिए रिसर्चर्स फाउंड आउट दैट व्हाट इज़ गुड पेरेंटिंग एंड व्हाट इज़ बैड पेरेंटिंग। देखें, हमें डिफरेंस जानने की ज़रूरत है। तरबियत करना और गुड पेरेंट्स होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो हम इन दोनों चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना सीखें। बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो उन चीज़ों को पहले तो खुद को आपको अंडरस्टैंड करना है। बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हर्डल क्रिएट कर सकते हैं टू बी अ गुड पेरेंट। आपको एक अच्छा पेरेंट बनने से वो चीज़ शायद वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पहले तो हमें उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पहले बींग ह्यूमन हमें अपने आप को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिफोर बिकमिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस दोज इशूज़ दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैन यू आर अ केयर, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे डील किया था। सो दोज आर द थिंग्स दैट आर स्टिल ऑन योर माइंड दैट यू आर रेज्ड इन दैट सेट एनवायरमेंट एंड नाउ directly or indirectly you expect the same from your children to behave in that certain way because your parents wanted you to behave in that way. Hum in sari cheezon mein ye cheez miss kar rahe hote hain ki needs and desires and expectations are different of children. That's a thing that you need to understand. You are going to raise a child who is an individual himself or herself, aur aapko us की इंडिविजुअलिटी को कैसे अंडरस्टैंड करना है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नीड टू हैव दैट बॉन्डिंग दैट यू नो द चाइल्ड शुड नॉट फील हेजिटेंट टू टॉक विद द पेरेंट्स। सो गुड पेरेंटिंग इज़ लाइक यू नो, पहले तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो, पहले तो आपको खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल के आर यू रेडी टू बी अ पेरेंट, आर यू रेडी टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज, एंड डेफिनेटली दीज थिंग नीड काउंसलिंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सोसाइटी में देन और बस हमें बता दीजिए बच्चे कैसे पालने हैं, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, ठीक है, इट्स नॉट ये कोई किताबें नहीं सिखा सकती हमें। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। पेरेंट्स ऑफ 21st century दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस जनरेशन, ये जो अब वाली जनरेशन है, ये उन तरीकों पर नहीं पल सकती जो आपके ऊपर अप्लाई किए गए थे जैसा आपको पाला। दिस टाइम दिस जनरेशन इज़ सो स्मार्ट, इज़ सो एक्टिव।